गर्मियों के दिनों में कच्चा प्याज खाने से आपको कई तरह के लाभ होते हैं। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। गर्मियों में प्याज का सेवन आपको कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं, जैसे कि एक नंबर, पेट संबंधित बीमारियां। कच्चे प्याज में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे आप पेट संबंधी बीमारी जैसे गैस, कब्ज आदि से बच सकते हैं। दो नंबर, लू से बचाओ। कच्चे प्याज का सेवन करने वाले व्यक्ति कभी भी लू की चपेट में नहीं आते हैं, इसलिए आपको भी कच्चे प्याज का सेवन करना चाहिए। तीन नंबर, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कच्चा प्याज का सेवन करने से आपके शरीर की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ जाती है और आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। चार नंबर, कैंसर से बचाओ। कच्चा प्याज का सेवन करने वाले को कभी भी कैंसर नहीं हो सकता है, इसलिए आपको गर्मियों के दिनों में नियमित रूप से कच्चे प्याज का सेवन करना चाहिए। पांच नंबर, ब्लीडिंग की समस्या में फायदेमंद। अगर आपको नाक से खून बह रहा है तो कच्चा प्याज सूंघिए। इसके अलावा बबसिर से आराम पाने के लिए भी सफेद प्याज खाना अच्छा रहता है। छह नंबर, कोलेस्ट्रॉल का कम करता है। प्याज में अमीनो एसिड और मिथाइल सल्फाइड पाए जाते हैं। ये सभी तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। सात नंबर, गले की खरस मिटाए। सर्दी, जुकाम और कफ की समस्या में प्याज का रस निकलकर पीने से फायदा होता है। आप चाहे तो प्याज का रस में गुड़ या शहद मिलाकर कर सकते हैं, ये गले की खरस को भी दूर कर सकता है। आठ नंबर, डायबिटीज में फायदेमंद होता है। कच्चा प्याज खाने से शरीर में इंसुलिन पैदा होता है, इसलिए कच्चा प्याज डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर दोनों करें, और आगे भी इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।